लाचुंगला पास, यहाँ पे हमने लाचुंगला पास देखा जो 16,616 फीट हाइट है समुद्र तल से। तो सफ़र शुरू करते हैं लेह से मनाली का जो हाईवे हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग जाएंगे लाचुंगला पास से नकिला पास तक। जो भी रास्ता है, जो भी कंडीशन है, आपको पूरा डिटेल के साथ जानने को मिलेगा। तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। रास्ता अभी तक खराब ही चल रहा है, यहाँ मैक्सिमम 30-40 स्पीड से आगे नहीं जा सकते हम लोग। 20-30, 20-30, 40 उससे आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब रहता है और कर्व्स भी बहुत रहते हैं। तो ड्राइव केयरफुली करें। आप लेह से मनाली या मनाली से लेह ड्राइव कर रहे हो बाई रोड, तो आपके पास ज़रूरी सामान होना चाहिए, जैसे आपका कार है, बाइक है, उसका सामान, टूल्स एंड टैकल्स, आपके हेल्थ के लिए मेडिसिंस, और हाई एल्टीट्यूड का खतरा रहता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा रुके नहीं। अगर आप लेह से आ रहे हो, आप लेह घूम चुके हो, तो आपका जो बॉडी है वो वेदर में ढल चुका होगा तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप मनाली से लेह जा रहे हो तो फिर आपको हाई एल्टीट्यूड का ख़तरा रहता है, क्योंकि समुद्र जल से जो हम लोग रहते हैं वो नॉर्मल हाइट में रहते हैं, और आप मनाली से जो ले जाते हैं तो रास्ते में हाई पासिस आते हैं बहुत, तो हाई पासिस में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम लोग सीधा हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं और उस वेदर में हमारी बॉडी सेट नहीं होती है और सडनली हम उसमें सेट हो नहीं सकते, तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड रुके नहीं, और ले जाके हम वहाँ पे थोड़ा लेह सिटी में ही 2 दिन घूमे, उसके बाद हाई पासिस में घूमे, खाजुंगला, पेंगोंग लेक, हानले, सोमोरीरी, जो भी हो उसके बाद घूमे, और वेदर में सेट हो जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा रास्ता लेह से मनाली का जो भी है टोटल डिटेल के साथ हम लोग दिखाते हैं ताकि किसी को कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे और सबको पता चले क्या है कंडीशन रोड की। तो बने रहे हमारे साथ और एंड तक ज़रूर देखें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें। यहाँ लद्दाख में BRO हर साल रोड बनाती है, लेकिन हर साल रोड ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और बर्फबारी की वजह से यहाँ पे रोड ख़राब हो जाती है। तो BRO हर साल बर्फ़ को हटाती है और BRO रोड बनाती है। हमारे लिए 6 महीना यहाँ पे खुला रहता है विजिट के लिए, तो आप अगर बेस्ट विजिट करना है तो आपको जून से सितंबर अक्टूबर तक आप विजिट कर सकते हो, और बेस्ट है जून जुलाई। आप जून जुलाई में विजिट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। साल में आप कभी भी लेह लद्दाख विजिट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम है अपना मई से एंड से सितंबर अक्टूबर तक आओ यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आएगा। बाय रोड सब रोड खुली रहती है। अगर आप साल में कभी भी आते हो तो बाय फ्लाइट आना पड़ेगा, तो बाय फ्लाइट आओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी रहती है और रास्ता भी सब बंद रहेगा, तो आप ज़्यादा विजिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सब कुछ देखना है तो आप जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक विजिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वेदर रहता है और बाय रोड बहुत ही मज़ा आता है। कहते हैं फ्रेंड्स, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का है। आप यहाँ का जो राइड करेंगे, जो लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वजह से बता रहा हूँ आपको, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत, मतलब हमारी जो फास्ट लाइफ है उससे बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलेगा। थोड़ा हट के रूटीन लाइफ में चेंज चाहिए तो ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको फ्रेंड्स। तो देखे फ्रेंड्स, एंड तक ज़रूर देखें क्या है कंडीशन रोड की और क्या है माउंटेन्स के नज़ारे। अभी जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, पांग से सरचू का जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत रास्ते में प्रॉब्लम्स आने वाली है, वाटर क्रॉसिंग आएगा, डिजर्ट रोड आएगा,
और बहुत ही खराब वाला पैच आता है रास्ते में। तो ये पांग से सरचू का जो रास्ता है आप ज़रूर देखें, रोड कंडीशन देख ले, उसके बाद ही आप बाय रोड यहाँ पे आए। यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर है, उसके बाद आएगा विस्की नाला, तो हम लोग देखेंगे विस्की नाला, उसके बाद आएगा नकीला पास। तो देखते रहे फ्रेंड्स, अभी देखेंगे रोड, देखें फ्रेंड्स रास्ते देखें कैसे बने हुए हैं, कर्व्स कैसे यहाँ से दिख रहे हैं। रास्ते ऐसे हैं फ्रेंड्स, अगर आपने दही खाया है तो लस्सी ज़रूर बनेगी, ऐसे है रास्ते फ्रेंड्स। आ गया है विस्की नाला, इसको बोलते हैं विस्की नाला। यहाँ पे आपको जून से अक्टूबर तक यहाँ पे आपको टेंट कैंप मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा नहीं। यह है विस्की नाला फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ होता है इमरजेंसी तो इमरजेंसी में आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, यहाँ पे टेंट कैंप भी अवेलेबल है। तो वापस चढ़ाई शुरू हो गई है, और ये चढ़ाई जो जाएगी सीधा नकीला पास, और नकीला पास में आज का वीडियो एंड करेंगे और बाद में देखेंगे नकीला पास।
से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रास्ते सिंगल रहते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो तो कुछ ट्रक या कुछ गाड़ी आती है तो आप साइड ज़रूर कर ले, उनको रास्ता दे, उसके बाद ही आगे बढ़े। अगर जल्दबाजी करोगे तो रास्ता चौकअप हो जाएगा और लंबा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। हमको मनाली से ले या फिर ले से मनाली सीधा पहुंचना है तो अर्ली मॉर्निंग में हमको निकलना रहेगा। सुबह मॉर्निंग 4-5 बजे निकल जाएंगे हम लोग, तो आराम से ले या फिर ले से मनाली पहुंच जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग निकले फ्रेंड्स, जहाँ से निकलना है आपको अर्ली मॉर्निंग निकले। अभी हम लोग लेह से मनाली जा रहे हैं तो हम लोग लेह से निकले थे सो मॉर्निंग में 5:20 AM, जैसे आपने देखा था लास्ट वीडियो में। तो हम लोग अभी पहुंच रहे हैं नकीला पास। अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर इज द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और आपका प्यार हमारे साथ ज़रूर बनाए रखिए। यहाँ पे शायद राइट लेते ही नकीला पास आएगा, तो नकीला पास देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स आ गया है नकीला पास और आज का वीडियो है यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नकीला पास देखेंगे कितना हाइट है, क्या है कंडीशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।